मनावर पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। मनावर तहसील की पंचायत बाकानेर में वर्ष 2019-20 में 46 किसानों के साथ लगभग 1,86,00,000 रुपए की ठगी की घटना की गई। आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। अपराधियों पर ये आरोप है कि उन्होंने किसानों से मक्का, कपास, सोयाबीन आदि फसल खरीदी थी और उन्हें भुगतान नहीं किया और वे वहां से फरार हो गए। बीते वर्ष आपको बता दें कि बाकानेर में हुई किसानों के साथ ठगी के आरोपियों को पुलिस ने इंदौर से गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों पर मंडी सचिव लक्ष्मण सिंह ठाकुर ने आवेदन के माध्यम से अपराध पंजीबद्ध करवाया था, जिसके पश्चात किसानों ने भी अलग-अलग आवेदन देकर अपने साथ हुई ठगी के लिए अपराधियों को आवेदन पत्र प्रस्तुत किए थे। आरोपी में नरेंद्र पिता छगन लाल, कमल पिता छगन लाल तथा अक्षत पिता नरेंद्र राखवा को बाकानेर चौकी प्रभारी नारायण रावल ने इंदौर से गिरफ्तार किया है। मनावर SDOP करण सिंह रावत ने बताया है कि सभी से अभी उक्त ठगी के बारे में पूछताछ की जाएगी तथा प्रॉपर्टी के माध्यम से रिकवरी की जाएगी। मेरा नाम महादेव पाटीदार, पिता काशीराम पाटीदार, मिर्जापुर का मैं किसान हूँ। आज यहाँ किस लिए एकत्रित हुए सारे किसान? आज हम यहाँ सभी किसान इसलिए इकट्ठे हुए हैं कि हमारे आज से 10 महीने पहले कमल राव का, नरेंद्र राव का, विकास राव का और अक्षत राव का, ये चार आरोपी 400 BC करके हमारी सभी किसानों की फसल लेके, किसी का कपास है, किसी के चने हैं, किसी के सोयाबीन है, झूठ का झुलासा देकर और हमारे घरों से फसल तोल के ले गया और उसके बाद में पैसे आज तक नहीं दिए। ये मक्का थी, फरार हो गया था ये, जिसको आज ये पुलिस विभाग अरेस्ट करके आए थे, इसलिए हम आज किसान इकट्ठे हुए। 10 महीने बाद हमको न्याय मिला है और इसके आगे की प्रोसेस हम कोर्ट में जाएंगे और इस आदमी को जेल पहुंचा के और हमारे न्याय के लिए पूरा सभी किसानों की यही उम्मीद है कि हमारा पैसा हमें वापस मिले और सरकार से भी यही निवेदन करेंगे कि इनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। तो कितना पैसा हमारा? लगभग 1,08,00,000 रुपये। कितने किसानों से ठगी करी इन्होंने? हमारे कब से का 46 किसान है, 46 किसानों की FIR दर्ज करी हुई है। तो बहुत है और बाकी के और भी बहुत है, बाकी वो आना नहीं चाहते डर के वजह से, इसलिए हम न्याय की उम्मीद प्रशासन से और सरकार दोनों से चाहते हैं कि किसानों की पूरी सुनवाई की जाए और इन्हें कड़ी से कड़ी सजा दी जाए।